दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इनफिनिक्स नोट 35 स्मार्टफोन को वीवो T2X 5G स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि इनफिनिक्स के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस LTPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ वीवो के अंदर हमें 6.58 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, लेकिन यार रिफ्रेश रेट के मामले में वीवो वालों ना भर भर के कॉस्ट कटिंग करी है, क्योंकि सिर्फ 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट दिया यार, कोई 90 नहीं कोई 120 नहीं, ये हाल है मतलब वीवो वालों के। इसलिए दोस्तों अगर आपको ज्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए ना भाई, डेफिनेटली आप यहां पर इन्फिनिक्स की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इन्फिनिक्स का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि XOS 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ वीवो का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि फ्रंट एंड 13 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं, भाई अच्छी बात है। लेकिन यार जो दोनों फोन की UI है ना भाई, ब्लोटवेयर तो आपको मिलने ही मिलने हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो इन्फिनिक्स के अंदर हमें Dimensity 6080 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ वीवो के अंदर हमें Dimensity 6020 5G चिपसेट दिया गया जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया है, लेकिन अगर आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करनी है ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली इन्फिनिक्स की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 6080 चिपसेट दिया गया है। सही में यार काफी ज्यादा बढ़िया है, काफी बढ़िया गेमिंग आपको करवा देगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो इन्फिनिक्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ वीवो के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फिनिक्स की, तो इस फोन का मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई, वो तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी डिसेंट फोटोज और वीडियोस क्लिक कर देगा, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार ये जो मैक्रो डेप्थ 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा, इनका कोई फायदा नहीं है यार। अगर हमें इनकी जगह पर अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता ना तो ज्यादा बढ़िया रहता, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में ना कंपनी वालों ने यहां पर अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दी है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप इन्फिनिक्स से बैक कैमरा से 2K तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीवो के बैक कैमरा से मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। भाई मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में भी इन्फिनिक्स का फोन ही विनर है। और फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो इन्फिनिक्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ वीवो के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ही दिया गया। भाई फुल टू फुल कॉस्ट कटिंग करी है वीवो वालों ने, इसलिए दोस्तों बढ़िया सेल्फी कैमरा चाहिए ना भाई, डेफिनेटली इनफिनिक्स की तरफ ही जरूर से जाइए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप इनफिनिक्स के फ्रंट कैमरा से 2K तक कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ वीवो के फ्रंट कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, लेकिन दोस्तों फास्ट चार्जिंग में यहां पर फर्क है, क्योंकि इनफिनिक्स का फोन यहां पर 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ वीवो का फोन सिर्फ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सिर्फ 18 वोल्ट का सपोर्ट हमें वीवो वाले दे रहे हैं, मतलब ये हाल है इनके। इसलिए दोस्तों ज्यादा फास्ट चार्जिंग अगर आपको चाहिए ना भाई, डेफिनेटली इनफिनिक्स की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, जिसमें कि इनफिनिक्स का फोन 14 5G बैंड को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ वीवो का फोन सिर्फ 6 5G बैंड को सपोर्ट करता है। माड़े ही हाल है इनके तो। इसलिए दोस्तों ट्रूली 5G कनेक्टिविटी चाहिए ना भाई, डेफिनेटली इन्फिनिक्स की तरफ ही जरूर से जाइए। और 3.5mm जैक हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। और स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिक्स का फोन यहां पर स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन यहां पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के ही साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि इन्फिनिक्स फोन के
4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 पे, वहीं दूसरी तरफ वीवो फोन के 4+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 13,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ना 2,000 पे एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिक्स की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इस फोन में जो हमें स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं ना भाई, सही में यार काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रही है। यहाँ वीवो ने भाई भर भर के तो सिर्फ कॉस्ट कटिंग करी है यार इस फोन को, ना ही लेना, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।